आर्किटेक्चर मेरे लिए मेरा डेली रूटीन है, मेरे लिए फन है. मतलब मैं उसको नहीं करूं तो मेरे को नींद नहीं आए. तो मेरे को हाथ से काम करना, खुद ही मैं काम करता हूं सारा. और मैं प्रयास करता हूं कि मैं एक मेसन की तरह भी काम करूं, एक पेंटर की तरह काम करूं, एक कारपेंटर की तरह काम करूं. मैं फॉल्सलिंग बनाना भी मुझे आता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को एज एन आर्किटेक्ट नहीं गिनता हूं, मैं एज एन आर्टिस्ट मानता हूं. ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट गाय और वो मेरी सी उम्र के हैं और बहुत एजुकेटेड और वेल ट्रेवल्ड आदमी है. वो बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ मेरे से मिले. उनका ये कहना था कि उनकी दो बेटियां हैं, तो कि मैं जिस फ्लोर पे रहूं दोनों बेटियां उसी फ्लोर पे रहें. वहीं मेरे को एक कॉमन एरिया चाहिए जहां मैं उनके साथ बैठ के टीवी देख सकूं, उनसे इंटरेक्ट कर सकूं. एक मेरे को पब्लिक एरिया चाहिए जहां पे हम लोग सब कोई गेस्ट भी आए तो बैठे, और एक जो जनरली एक घर में एक लिविंग रूम जैसे होता है वो एक डिफरेंट फ्लोर हो. और चूँकि उनके फॉरेन बायर्स और फॉरेन क्लाइंट्स बहुत हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं ऑफ़र करूं कि मेरे क्लाइंट या मेरा बायर मेरे घर में आके रुके. तो उनके लिए भी वो एक फ्लोर बनाना चाहते थे. और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कि भाई मैं गाड़ियां एक के पीछे एक ना खड़ी करूं, क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो बहुत शौकीन है. तो उन्होंने कहा मेरा एंटरटेनमेंट एरिया इस तरीके से बनाओ कि वो घर को बिना डिस्टर्ब किए हुए उसको मैं एक्सेस कर सकूं. और वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमने उसका घर डिज़ाइन किया. तो प्लानिंग ऐसी है कि ग्राउंड फ्लोर पे इनका एक बेडरूम है जो कि इनके मदर फादर का है. फर्स्ट फ्लोर पे तीन बेडरूम्स हैं. सेकंड फ्लोर पे तीन गेस्ट रूम्स हैं. और बेसमेंट में इनका पूरा एंटरटेनमेंट सेक्शन है. तो ये फोर स्टोरी मेरा घर बनता है. अगर किसी भी आप एक बॉक्स के अंदर एक स्माइल बना दें, किसी भी फिगर के अंदर अगर आप एक स्माइल डाल दें तो वो एक हंसता हुआ चेहरा हो जाता है. आप ऊपर गौर करेंगे तो हमने यहाँ पे एक कर्व बनाया है जो कि जिम एरिया है, और वो पूरा ग्लास का है, और वो पूरे घर का सिनेरियो ही चेंज कर देता है. ये वही स्माइल ही है जो एलिवेशन में हमने क्रिएट किया है. जहाँ तक मटेरियल का सवाल है, हमने लोकल स्टोन यूज़ किया, राजस्थान का टीक स्टोन. और क्लाइंट चाह रहे थे पहले इटालियन लगाएं कुछ करें, पर मैंने इंसिस्ट किया कि हम लोकल मटेरियल में ही काम करेंगे, और बहुत ही खूबसूरत निकल के आया. ये एक रेक्टेंगल प्लॉट है 500 स्क्वायर यार्ड्स का, 50x90 अप्रॉक्स, और ये ईस्ट फेसिंग है. तो हमने इसको ऐसे प्लान किया क्योंकि एज़ पर साइट प्लान हमको ड्राइववे जो मिल रहा था वो साउथ ईस्ट में मिल रहा था. और मेरी इच्छा थी कि घर को इस तरीके से बनाया जाए कि इसमें जो ओपन एरियाज़ हैं वो कई जगह से मैं उसको अप्रोच कर सकूं, जिससे घर में लाइट ग्रीनरी अच्छे से दिखे. तो मैंने इस घर को इस तरह से प्लान किया कि उनकी छत ही एक फॉर्मल लिविंग रूम सेपरेट बने घर से थोड़ा सा अलग. एक उनका कंसर्न था कार पार्क का, तो मैंने एक के पीछे एक गाड़ी ना खड़ी करते हुए चार गाड़ियां इस तरीके से पार्क करी. और इस एरिया को मैंने फुल लैंडस्केप एरिया बनाया. और फिर एक लैंडस्केप एरिया मैंने निकाला इधर. ये मैंने बना लिविंग रूम, ये फॉर्मल लिविंग रूम. दीज बोथ आर इंटरकनेक्टेड. यहाँ हमने किचन बनाई, ये मास्टर बेडरूम, ये अदर एमिनिटीज, दिस इज डाइनिंग. और दिस इज स्टेयरकेस. दिस इज होल लिविंग विच इज डबल हाइट. तो वी कैन एंटर इन दिस हाउस हेयर एंड फ्रॉम हेयर. वेन गेस्ट विल कम दे विल गो स्ट्रेट टू फॉर्मल लिविंग एंड ओनर ऑफ द हाउस कैन एक्सेस देम फ्रॉम दिस स्लाइडिंग डोर. और जब यहाँ पे वो लोग बैठे हैं तो घर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है. और एक हमने साइड एंट्री दी जो वो चाह रहे थे, यहाँ से एक सीढ़ी डायरेक्ट नीचे उतरता है,
जो बेसमेंट में जाता है, जो उनका बहुत ही खूबसूरत हमने एंटरटेनमेंट एरिया बनाया है। हमारी जो बेसमेंट की प्लानिंग रही तो वो फॉर्मल लिविंग से लेकर ड्राइववे के नीचे भी आ रहा है। तो दिस सेक्शन विल गो लाइक दिस, और आप बेसमेंट में देखेंगे तो हमने एक सीलिंग ऐसे और एक सीलिंग ऐसे बनाया है। तो नीचे से देखने में लॉन्च में वो दिखता भी नहीं है कि ये अप एंड डाउन इतना ज़्यादा है। वी हैव फोर डोर्स ओपनिंग और दो कार सीधे बाहर निकल सकती हैं और सीधे अंदर आ सकती हैं। हम जब फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं स्टेयरकेस से, स्टेयरकेस बड़ा खूबसूरत पार्ट है इस घर का। ये स्टेयरकेस फ्री स्टैंडिंग है, इस आरसीसी वॉल से दोनों साइड से स्टेयरकेस फ्री स्टैंडिंग है। आप ऊपर आते हैं तो ऊपर एक हमने एक लॉन्ज एरिया बनाया, एक फैमिली छोटा फैमिली लिविंग रूम, जिसमें क्योंकि ये इनका फैमिली फ्लोर है, ये इनकी डॉटर्स के एक रूम है। मास्टर बेडरूम बहुत ही खूबसूरत है, इसको हमने पूरा वुड में बनाया, नेचुरल वुड में। तो पूरा फ्लोर भी वुड, दीवार भी वुड और रूफ भी वुड, पूरा वुड के अंदर हमने इसको क्रिएट किया। इवन पंखे भी वुड के लगाए। और इसके ऊपर वाले जो दो फ्लोर्स हैं उसमें हमने तीन गेस्ट रूम निकाले हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये गेस्ट रूम है, एक गेस्ट रूम ये है एंड एक गेस्ट रूम ये है। इनका एक ये लॉन्ज एरिया, लॉन्च एरिया से एक ये आप कॉमन एक्सेस है पूरा जिम, जो कि मैं आप बोल रहा था ये घर का स्माइल है। दिस इज़ ए ग्लास कर्व वुडन फ्लोर, पूरा ईस्ट का सन मिलता है इसको, और क्योंकि हाइट हो जाती है तो इस पर व्यू भी बहुत अच्छा मिलता है। सामने हमने टेरेस के ऊपर एक सिटिंग बनाया जो आप योगा वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा आपका हेल्थ फ्लोर है। मेरा ऐसा मानना है कि एज एन आर्किटेक्ट आई हैव लाइसेंस टू क्रिएट, और मेरे लिए इस तरह के सारे काम ही बहुत ही सुखदायक होते हैं। इवन आई वॉन्ट टू थैंक माई क्लाइंट ऑल्सो, और सभी मेरे क्लाइंट्स मेरे को पूरी लिबर्टी देते हैं काम करने की, जो कि इसमें भी मुझे मिली। जैसा मैं सोचता हूँ कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के साथ हमारे पास आते तो हैं, लेकिन उसको किस दिशा में ले जाके किस तरीके से पूरा करना है वो कला हमारे पास है।